नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मिरर एंड वाटर इमेज यानी जल और दर्पण प्रतिबिंब के क्वेश्चन करेंगे। ये पार्ट सेकंड है। अगर आपने फर्स्ट नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ, मिरर इमेज में लेफ्ट का हिस्सा राइट में दिखाई देगा और राइट का हिस्सा लेफ्ट में, ठीक है ना। टॉप और बॉटम जो हैं वो सेम पोजीशन पे रहते हैं, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं जल प्रतिबिंब की। जल प्रतिबिंब में क्या होता है, टॉप का हिस्सा बॉटम में दिखाई देगा और बॉटम का हिस्सा टॉप में, ठीक है ना, और लेफ्ट और राइट सेम रहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो किसका है, दर्पण छवि यानी मिरर इमेज का। तो मिरर इमेज में क्या होगा, लेफ्ट हिस्सा राइट में दिखाई देगा। तो ये जो फर्स्ट एरो है वो राइट की तरफ है, तो मिरर इमेज में ये कहाँ दिखाई देगा, लेफ्ट की तरफ, ठीक है। दूसरा जो एरो है क्वेश्चन आकृति में, वो लेफ्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है, दर्पण छवि में ये राइट की तरफ होगा। और तीसरा एरो जो राइट की तरफ पॉइंट किए हुए है वो लेफ्ट की तरफ पॉइंट होगा, ठीक है ना। तो हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, ये भी दर्पण प्रतिबिंब का है। तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, टॉप और बॉटम बराबर होते हैं, ठीक है ना, मतलब उन वो चेंज नहीं होते। और लेफ्ट का हिस्सा राइट में दिखाई देगा और राइट का हिस्सा लेफ्ट में, तो ये राइट साइड में है। तो हमारा जो दर्पण प्रतिबिंब होगा उसमें ये कहाँ दिखाई देगा, लेफ्ट साइड में और ऊपर दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर ही है और ये हिस्सा लेफ्ट में है, तो ये कहाँ दिखाई देगा, राइट में नीचे की तरफ, और जो बीच का हिस्सा है वो एज इट इज रहेगा। तो इस तरह से हमारी जो आकृति फर्स्ट है, पहली है, वो हमारा सही आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में हमें जल प्रतिबिंब निकालना है। जल प्रतिबिंब में जो टॉप का हिस्सा है बॉटम में दिखाई देगा, तो ये मैंने टॉप का हिस्सा मान लिया और ये जो हिस्सा है ये मैंने बॉटम का माना है, ठीक है। तो ये टॉप का हिस्सा अब बॉटम में दिखाई देगा, तो बॉटम में सिर्फ ए ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ए ऑप्शन हमारा सही आंसर है। चौथा क्वेश्चन है, हमें मिरर इमेज निकालनी है, तो इस स्क्वेयर को एज इट इज रखो। ये जो स्क्वेयर है छोटा वो नीचे एज इट इज रहेगा इस तरह से, और सर्कल जो था वो लेफ्ट की तरफ था, अब कहाँ आ जाएगा, राइट की तरफ। तो इस तरह से हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही आंसर है। पांचवा क्वेश्चन है, दर्पण छवि निकालो, ठीक है। लेकिन दर्पण जो है नीचे लगा हुआ है, तो एक्चुअल में वो हमें जल प्रतिबिंब पूछ रहा है, जल छवि। तो यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है, सेमी सर्कल, वो ऊपर की तरफ है इस तरह से, तो ये जल प्रतिबिंब में नीचे सबसे नीचे आएगा और सेमी सर्कल का उल्टा आएगा, ठीक है ना। तो सबसे नीचे आएगा एक सेमी सर्कल और फिर इसके ऊपर आएगा दो सेमी सर्कल, ठीक है ना। इस तरह से आकृति बनेगी जैसा कि ऑप्शन ए में दिया गया है, तो वो हमारा सही आंसर है। छठा क्वेश्चन करते हैं। छठे क्वेश्चन में हमें जो प्रश्न आकृति दी गई है उसका हमें जल प्रतिबिंब निकालना है। देखिए ए ऑप्शन ही हमारा सही आंसर है, क्योंकि लेफ्ट का हिस्सा लेफ्ट में दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, जबकि बी सी और ई में ऐसा नहीं है, लेफ्ट का हिस्सा उसमें राइट में, राइट का हिस्सा उसमें लेफ्ट में दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, इसलिए बी सी ई तो गलत है। दूसरा क्या है, ये जो हिस्सा है लाइन के नीचे था और अब ए ऑप्शन में ये ऊपर दिया गया है, तो जल प्रतिबिंब में हमेशा यही होता है, ऊपर का हिस्सा नीचे दिखाई देगा, तो डी भी गलत हुआ, बचा कौन सा, ए, तो वही हमारा सही आंसर है। सातवां क्वेश्चन की बात करता हूँ, हमें दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। दर्पण नीचे लगा हुआ है तो उसका मतलब वो जल प्रतिबिंब पूछ रहा है। तो एक ट्रायंगल सीधी है तो उसका
जल प्रतिबिंब किस तरह से होगा, उल्टी ट्रायंगल, ठीक है ना। तो उल्टी ट्रायंगल चार ऑप्शन में दी गई है। अब बात करते हैं इस सर्कल की, ये सर्कल ऊपर लगा हुआ है, अब ये कहाँ आएगा, नीचे, ठीक है। नीचे सर्कल तीसरे ऑप्शन में नहीं है तो वो गलत हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे सर्कल की, ये दूसरा सर्कल राइट हैंड साइड में है, तो ये सर्कल नीचे है तो ये सर्कल ऊपर राइट हैंड साइड में होगा इस तरह से, ठीक है। क्योंकि लेफ्ट और राइट चेंज नहीं होते, राइट राइट रहता है और लेफ्ट लेफ्ट रहता है, तो ये सर्कल राइट में ही रहेगा। तो राइट साइड में एक सर्कल कहाँ पे है, सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में है, तो पहला भी गलत हुआ, दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि इसमें तीन सर्कल दिए हुए हैं, तो बचा कौन सा, फोर्थ, वो हमारा सही आंसर है। आठवां क्वेश्चन करते हैं, वेरी इजी, ये सिमेट्री है, ये एज इट इज रहेगी दर्पण छवि में, ठीक है। तो ये हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो सही आंसर है। नौवां क्वेश्चन है, दर्पण छवि निकालनी है, ये सर्कल किस तरफ है, ये लेफ्ट की तरफ, ये राइट की तरफ, तो सर्कल कहाँ आएगा, लेफ्ट की तरफ, क्योंकि ये राइट की तरफ था, तो लेफ्ट की तरफ सिर्फ बी ऑप्शन में है, तो बी हमारा सही आंसर है। दसवां क्वेश्चन है, मिरर लेफ्ट की तरफ बना हुआ है, ठीक है ना, और जो आकृति है वो राइट की तरफ है, ठीक है ना, तो इसके इसका जो आंसर रहेगा वो कहाँ होगा, लेफ्ट की तरफ। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल का हमें दर्पण छवि निकालनी है, तो इस ट्रायंगल की दर्पण छवि इस तरह से होगी, इस तरह से जो त्रिभुज है वो पहले ऑप्शन में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में भी है। अब प्रश्न आकृति को दोबारा देखिए, ये जो लाइन है ये मिरर लगा हुआ है और ये लाइन ऐसे थी, तो इसकी जो दर्पण छवि होगी वो इस तरह से होगी, इस तरह से लाइन ए पहले ऑप्शन में नहीं है, तो पहला गलत, तो बचा कौन सा, फोर्थ ऑप्शन, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही आंसर है। थैंक यू।